नमस्ते, मैं देवेंद्र ईवीपीएल एग्जिम से। पल दो पल ईवीपीएल के साथ चल, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने पंप लीकेज के बारे में चर्चा की थी और मैक्स्टार हॉट पैक लगाने से पंप जीरो डिस्चार्ज, जीरो ड्रॉप्स पर मिनट पे कैसे आप चला सकते हो, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम वॉल लीकेज के बारे में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, वॉल की लीकेज पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरह से। इसमें पैकिंग की रोल काफी बड़ी रहती है। पैकिंग घटिया हो, यानी पैकिंग की अंदर के फ्लूइड के साथ रिएक्शन हो जाए, पैकिंग उस प्रेशर में, उस टेम्परेचर में ना चलती हो, तो वॉल की लीकेज हो सकती है। वॉल का स्टेम और ऊपर का ग्लैंड फॉलोअर भी सही होना चाहिए, नहीं हो तो भी वहां पे लीकेज हो सकती है। आपकी पैकिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बिठाने में आसान होनी चाहिए, तो भी वॉल की लीकेज आप रोक सकते हो। और इतना ही नहीं, पैकिंग बिठाने के वक्त अंदर की पहली पैकिंग पूरी तरह से निकालनी चाहिए, या अगर निकाली नहीं गई तो अंदर वाली पैकिंग आपके वॉल को डैमेज करती रहती है, आने वाली पैकिंग को भी डैमेज करती रहती है, क्योंकि वो हार्ड होती है पत्थर की तरह। इस तरह से नहीं होना चाहिए, अंदर की पैकिंग पूरी तरह से निकालनी चाहिए। वॉल की जो ग्लैंड फॉलोअर की मूवमेंट है, स्टेम है, इसमें गैल्वेनिक कोरोजन हो सकता है। गैल्वेनिक कोरोजन यानी पॉजिटिव निगेटिव की एक सेल तैयार हो जाती है अपने आप, और वो होने की वजह से आपकी स्टेम पिटिंग हो जाती है और खराब हो सकती है। ऐसे कई कारण हैं। ये कारणों को ठीक तरह से समझ के उस तरह से अगर आप ग्लैंड पैकिंग लगाओगे तो आपकी पैकिंग लीक नहीं होगी, बिल्कुल लीक नहीं होगी। और कितने दिन, 3-3 साल की गारंटी मिल सकती है इसमें, वो कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए। देखते रहिए पल दो पल ईवीपीएल के साथ चल। दिस इज एक्जिमियस।